हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया पर वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कोई विरोध में लिख रहा है तो कोई समर्थन में लिख रहा है, तो कुछ मीडिया इसका फायदा उठाते हुए दलित मुसलमानों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी सारे बहुजनों के विचारों की पड़ताल के बाद एक खास बात सामने आई है जो हम आपको बताना चाहेंगे। इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव दे सकते हैं, हमें आपके प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार रहेगा। आप ईमेल भी कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप देख रहे हैं SD24, मैं आपके साथ अहमद कुरैशी। आपको बता दें कि देश की आजादी से लेकर आज तक किसी ने भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सेकुलर पार्टी या कम्युनल पार्टी ने मुसलमानों का नेतृत्व निर्माण नहीं होने दिया। कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा, जनता दल तृणमूल हो या राष्ट्रवादी शिवसेना हो, या फिर नई नई मार्केट में आई बहुजन मुक्ति पार्टी हो, अब एक साल से प्रकाश में आई एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, इनकी वंचित बहुजन आघाड़ी भी इसी राह पर चल पड़ी है, ऐसा कई बहुजन बुद्धिजीवियों का मानना है। आपको इस बात पर भी गौर करना होगा कि आप अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हो तो उस पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ साधारण कार्यकर्ता से भी गठबंधन हो जाता है, फिर भी आप कहते हो कि आपका गठबंधन केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट से नहीं है, तो ये बहुत शर्मनाक और हास्यास्पद बात है। किसी भी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा दूसरे पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट के बारे में ऐसी बात करना गलत है और निंदनीय है। ऐसी बचकाना हरकत, ऐसे बेतुके बयान करने वालों से दूर रहना बेहतर है। ऐसे लोग पार्टी में लोकतंत्र नहीं ला सकते, तो फिर देश या राज्य में लोकतंत्र कैसे बचा पाएंगे? उन्हें लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके अंतर्गत लोकतंत्र है। आज ओवैसी ने जो बयान दिया है उससे प्रतीत होता है कि MIM ऐसी पार्टी है जिसमें अंतर्गत लोकतंत्र को स्वीकार किया है। एक स्टेट प्रेसिडेंट को स्टेट के संबंधित सभी फैसले लेने का अधिकार देना, चुनाव में सीटें तय करने का अधिकार देना, प्रत्याशी चुनने का अधिकार देना, अलायंस करने का अधिकार देना तथा स्टेट में ज्यादा दखलअंदाजी न करना, ये बहुत सराहनीय काम है। यह नेतृत्व निर्माण का एक कार्यक्रम है, उसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बधाई के पात्र है। सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उनसे ये चीज जरूर सीखनी चाहिए।